नमस्कार, मैं हूँ दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 27 अगस्त, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के जिले में बनेगा देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर। भूमि विवादों को सुलझाने के लिए होगी साप्ताहिक बैठक, आप भी कर सकते हैं आवेदन। बालू घाटों पर खनन शुरू करने से पहले विभाग अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की कर रहा कवायद। बिहार के सभी शहरों में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे विकसित। स्त्री दो ने बनाया रिकॉर्ड, फिल्म में मजेदार है पंकज त्रिपाठी की भूमिका। कहीं आपके आधार कार्ड का तो कोई नहीं कर रहा है गलत इस्तेमाल, ऐसे लगाएं पता। पंजाब किंग्स ने रोहित शर्मा को लेकर कही ये बात। चलिए बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इंडियन बैंक में लोकल बैंक ऑफिसर के पदों पर निकली भर्ती, जल्द करें आवेदन। इंडियन बैंक में लोकल बैंक ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती कुल 300 पदों के लिए है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट indianbank.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 सितंबर है। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन किया हो। साथ ही उम्मीदवारों की आयु सीमा 20 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। बिहार के इस जिले में बनेगा देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर। बिहार के अररिया में देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनने वाला है। इसका निर्माण 289 एकड़ में 1500 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। इसकी जानकारी बिहार सरकार में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने दी है। उन्होंने कहा है कि देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर रानीगंज वृक्ष वाटिका में बनेगा। इसके लिए जल्द ही अररिया में जांच के लिए नई दिल्ली स्थित केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण आने वाली है। इस चिड़ियाघर के निर्माण कार्य का शुभारंभ वर्ष 2025-26 में होने वाला है। मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि बिहार में बढ़ते पर्यटकों को देखते हुए इसे बनाने का फैसला लिया गया है। पर्यटन की अपार संभावनाओं के लिए पूरे बिहार में पर्यटन स्थल विकसित किया जा रहा है। बालू घाटों पर खनन शुरू करने से पहले विभाग अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की कर रहा कवायद। हर साल मॉनसून को देखते हुए बिहार के बालू घाटों पर खनन के लिए रोक लगाई जाती है। इस बार ये रोक 15 अक्टूबर तक की ही है। इस दिन से बालू घाटों पर खनन का कार्य शुरू होगा। इसके लिए बचे हुए घाटों के बंदोबस्त को लेकर पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र दिलवाने की कवायद में खान एवं भूतत्व विभाग लगा हुआ है। इसे लेकर अभी हाल में ही एक समीक्षा बैठक भी हुई थी, जिसमें 13 जिलों के खनिज विकास पदाधिकारी शामिल हुए थे। आपको बता दें कि 13 जिलों में बालू क्लस्टर की संख्या 610 है। समीक्षा बैठक के दौरान पता चला कि इन 610 बालू क्लस्टर में से केवल 294 घाटों का ही बंदोबस्त हुआ है, 316 अभी भी प्रक्रियाधीन है। भूमि विवादों को सुलझाने के लिए होगी साप्ताहिक बैठक, आप भी कर सकते हैं आवेदन। भूमि विवादों को सुलझाने को लेकर विभाग ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत बिहार के सभी अंचलों में प्रत्येक शनिवार को अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष की संयुक्त बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक का आयोजन थाना भवन में होगा। यदि आपकी जमीन से रंगदारी या अवैध दखल या विवाद हुआ है तो आप इस बैठक में आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही सेवाओं का लाभ लेने के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट state.bihar.gov.in/lrc/regionhome.html पर जा सकते हैं। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे वैशाली के बारे में। ये बिहार का एक ऐसा जिला है जहां विश्व का सबसे पहला गणतंत्र कायम किया गया था। यहां पर गौतम बुद्ध और सम्राट अशोक से जुड़ी कई चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। वैशाली के ऐतिहासिक स्थलों को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। वैशाली ही वो स्थान रहा जहाँ गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम धर्मोपदेश दिया था। यहाँ पर आप ऐतिहासिक अशोक स्तंभ भी देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ वैशाली संग्रहालय भी मौजूद है, जहाँ आप कई पुरातात्व अवशेष देख सकते हैं। यदि आप वैशाली जाते हैं तो इन जगहों पर घूमने जा सकते हैं। समाज कल्याण विभाग ने बिहार में नए आंगनवाड़ी केंद्र खोलने को लेकर भेजा रिमाइंडर। समाज कल्याण विभाग ने केंद्र सरकार को बिहार में नए आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाने को लेकर याद दिलाया है। आपको बता दें कि बिहार में 18,300 नए आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। इसे लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुछ समय पहले ही एक बैठक भी आयोजित हुई थी, जिसमें केंद्रीय मंत्री के स्तर पर समाज कल्याण विभाग के देश भर में मंत्री शामिल हुए थे। इसी दौरान बिहार में बड़ी संख्या में नए
आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने का मामला उठा था, जिसके बाद इस मामले पर विचार किया जाएगा, इसका आश्वासन बिहार को दिया गया था। अब एक बार फिर से केंद्र सरकार को इसकी याद दिलाई गई है। आपको बता दें कि एक वार्ड में एक आंगनबाड़ी केंद्र होना चाहिए। एक आंगनबाड़ी में 40 बच्चों की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं, लेकिन बहुत से वार्ड ऐसे हैं जहां एक वार्ड की आबादी में 1000 से अधिक लोग हैं और कई जगहों पर तो एक आंगनबाड़ी में 40 से अधिक बच्चे हैं, जिस वजह से परेशानी होती है। इसलिए बिहार में और आंगनबाड़ी केंद्र की मांग की जा रही है। जाने किन किन परिस्थितियों में खींची जा सकती है ट्रेन की चेन। भारतीय रेलवे ने इमरजेंसी सेवा के लिए चेन पुलिंग की व्यवस्था की है। चेन पुलिंग से ट्रेन रुक जाती है, लेकिन कई लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं। इसी को देखते हुए रेलवे ने नियम बनाए हैं ताकि कोई इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। बिना कारण चेन खींचने पर 1000 रुपये तक का जुर्माना या 1 साल की कैद हो सकती है। हालांकि आप चेन तभी खींच सकते हैं जब कोई बच्चा, बुजुर्ग या जरूरतमंद व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर रह जाता है या ट्रेन खुल गई है और वो चढ़ नहीं पाया है। आपातकालीन परिस्थितियों में भी चेन पुलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। चेन पुलिंग यदि आप करते हैं तो आपको एक ठोस कारण देना होगा, वरना जुर्माना या जेल का सामना करना पड़ सकता है। बिना कारण बताए अंचलाधिकारी ने दाखिल खारिज के आवेदन को किया रद्द, तो होगी कार्रवाई। वैसे अंचलाधिकारी जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा दाखिल खारिज और अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी कर रहे हैं या खराब प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर सख्ती से निगरानी रखी जा रही है ताकि वे अपना कार्यशैली में सुधार कर सके। इसके अलावा यदि कोई अंचलाधिकारी बिना सही कारण बताए या उल्लेख किए आपके दाखिल खारिज के आवेदन को रद्द कर रहे हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसकी जिम्मेदारी भूमि सुधार उप समाहर्ता को दी गई है, जो सभी अंचलों की जाँच करेंगे। जिन अंचलाधिकारियों ने बिना सही कारण दिए दाखिल खारिज के आवेदन को रद्द किया है या जिनके पास बड़ी संख्या में ऐसे मामले लंबित पड़े हैं, उनकी पहचान करने के आदेश दिए गए हैं ताकि दोषी अंचलाधिकारियों को चिन्हित किया जा सके। आपको बता दें कि ऐसे अंचलाधिकारियों और कर्मचारियों के इस रवैये से आम लोगों को काफी परेशानी होती है। बिहार के सभी शहरों में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होगी विकसित। बिहार के सभी शहरों में आधारभूत संरचना के विकास के साथ ही आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास किया जाएगा। योजना एवं विकास विभाग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रदेश के सभी शहरों में विकसित करने की तैयारी कर रहा है। इसे विकसित करने के लिए संबंधित विशेषज्ञ और विभाग मदद करेंगे। राज्य सरकार द्वारा फिलहाल प्रदेश के 56 शहरों में इसके विकास को मंजूरी दी गई है। जिन शहरों में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होंगे वहां अत्याधुनिक कंप्यूटर और आईटी हार्डवेयर की स्थापना होगी। कहीं आपके आधार कार्ड का तो कोई नहीं कर रहा है गलत इस्तेमाल, ऐसे लगाए पता। आधार कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, यदि इसका कोई गलत इस्तेमाल करता है तो ये आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। यदि आपको लगता है कि आपके आधार का कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है तो आप UIDAI की वेबसाइट पर जाकर इसे आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको आधार नंबर और सिक्योरिटी कोड डालकर OTP के माध्यम से लॉगिन करना होगा। इसके बाद आप पिछले 6 महीनों की ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री देख सकते हैं। यदि इसमें आपको कोई गलत गतिविधि नजर आती है तो आप टोल फ्री नंबर 1947 या email ID help@uidai.gov.in या वेबसाइट के जरिए शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। यदि परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृतक के आधार कार्ड को रद्द करने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन परिवार वाले मृतक के आधार कार्ड को लॉक कर सकते हैं ताकि उसका दुरुपयोग ना हो। पटना स्थित IGIMS आई हॉस्पिटल का निरीक्षण करने पहुंचे CM नीतीश कुमार। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना स्थित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान यानी IGIMS के निर्माणाधीन चक्षु हॉस्पिटल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बचे हुए निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। CM नीतीश के साथ निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत भी मौजूद थे। उन्होंने CM नीतीश को बताया कि 188 करोड़ रुपए की लागत से 154 बेड का ये आई हॉस्पिटल अपने आप में ही विशिष्ट होगा। इस आई हॉस्पिटल में 24 घंटे इमरजेंसी सेवा लोगों को दी जाएंगी। साथ ही ये हॉस्पिटल उत्तर पूर्व भारत के सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होगा। बिहार में नए थाना भवन इस दिन तक हो जाएंगे तैयार, पुराने थाने की भी बदलेगी सूरत। बिहार में नए थाना भवन बनाए जा रहे हैं। अभी तक 70% नए थाना भवन बनकर तैयार हो चुके हैं और बचे 30% थाना भवनों को 2025 तक पूरा करने की तैयारी है। नए थाना भवन के निर्माण के साथ ही पुराने थाने की सूरत भी बदलने की तैयारी की जा रही है। विभिन्न जिलों में मौजूद पुराने थाना भवनों की जमीन पर ही नई इमारत बनाई जाएगी, जहाँ पुलिस कर्मियों के रहने की भी व्यवस्था होगी। इसके अलावा अनुसंधान कक्ष, रिकॉर्ड रूम आदि तैयार किए जाएंगे।
इसके लिए बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम अपनी तैयारी शुरू कर चुका है। स्त्री टू ने बनाया रिकॉर्ड, फिल्म में मजेदार है पंकज त्रिपाठी की भूमिका। हाल ही में रिलीज हुई स्त्री टू मूवी ने दूसरे वीकेंड में अपने नाम एक बड़ा रिकॉर्ड किया है। दरअसल फिल्म ने 90 करोड़ नेट के आंकड़े को पार कर लिया है। आपको बता दें कि इस फिल्म में बिहार के पंकज त्रिपाठी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पंकज त्रिपाठी ने अपने एक्टिंग से लोगों को दीवाना बना दिया है। अब इस फिल्म के लिए 100 करोड़ नेट का दूसरा वीकेंड दूर नहीं है। पंकज त्रिपाठी के अलावे श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव भी अहम रोल निभा रहे हैं। व्हाट्सएप पर अब वीडियो कॉल बात करने का मजा होगा दोगुना। आ रहा ये नया फीचर, व्हाट्सएप ने हाल ही में आईफोन के लिए अपने वीडियो कॉलिंग इंटरफेस में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिनकी टेस्टिंग अभी चल रही है। WA बीटा इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक अपडेट में नए AR फीचर्स जैसे कॉल इफेक्ट और फिल्टर शामिल है। बीटा यूजर्स को अब वीडियो कॉलिंग के दौरान बैकग्राउंड बदलने, कलर टोन सेट करने और लो लाइट मोड का ऑप्शन मिलेगा, जो वीडियो कॉल की गुणवत्ता को बेहतर बनाएगा। इसके अलावा एक नया टच अप मोड भी पेश किया गया है, जो फिल्टर के साथ आएगा। यूजर्स को 10 प्रीसेट थीम्स भी मिलेंगे, जिनमें विभिन्न बैकग्राउंड और चैट बबल शामिल होंगे। ये फीचर्स फिलहाल iOS व्हाट्सएप बीटा वर्जन 24.17.10.74 में उपलब्ध है और जल्द ही भी यूजर्स के लिए जारी किए जाएंगे। बिहार के प्रशासनिक सेवा से बड़ी खबर, इस जिले के DM ने दिया इस्तीफा। बिहार के प्रशासनिक सेवा से एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल लखीसराय के DM रजनीकांत ने पद से इस्तीफा दे दिया है। बिहार सरकार ने भी DM रजनीकांत के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा DM रजनीकांत के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। बिहार के 13 शिक्षकों को इनोवेशन चैंपियन अवार्ड से किया जाएगा सम्मानित। राज्य के 13 शिक्षकों को इनोवेशन चैंपियन का अवार्ड दिया जाएगा। ये अवार्ड शिक्षकों को IRISE रिकॉग्नाइजेशन की तरफ से दिया जा रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे ने शिक्षकों का चयन किया था। ये सभी शिक्षक स्कूल के बच्चों को इनोवेटिव बनाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। इन्हें लगातार विज्ञान और गणित विषय के क्षेत्र में इनोवेटिव काम करने के लिए 3 सितंबर को सम्मानित किया जाएगा। पुणे के मुताबिक सभी शिक्षक क्लासरूम में पढ़ाई से लेकर स्कूल के हर छात्र के लिए आदर्श हैं और सभी चैप्टर को इनोवेटिव तरीके से पढ़ाते हैं। आज प्रदेश से इन जगहों पर बारिश की है संभावना। मौसम विभाग ने 27 और 28 अगस्त को बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल में अधिकांश जगहों पर बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा 29 अगस्त से 1 सितंबर तक भी प्रदेश में कुछ जगहों पर बारिश देखने को मिल सकती है। 26 से लेकर 28 अगस्त तक इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है, साथ ही लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। पटना पुलिस ने 195 लीटर अंग्रेजी शराब किया बरामद। पटना पुलिस ने 19 कार्टन से 195 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की है। ये शराब तस्करी के लिए कार से लाए जा रहे थे। पुलिस को देखते हुए ड्राइवर मौके पर फरार हो गया। शराब की ये बरामदगी वाहन चेकिंग अभियान के दौरान हुई है। इस मामले को लेकर नेउरा थाना अध्यक्ष राजेश कुमार पांडे ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बिहटा की तरफ से टैक्सी में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब लेकर पटना जाने वाली है, जिसके बाद बिहटा सिवाला मार्गों पर वाहन चेकिंग अभियान शुरू हुआ था। पुलिस ने गाड़ी का पीछा कर शराब और कार को जब्त कर लिया। हालांकि ड्राइवर फरार है। इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। जाने जीन्स में क्यों होती है छोटी पॉकेट और क्या है डेनिम जीन्स के पीछे की कहानी। फैशन की दुनिया में जीन्स एक ऐसा परिधान है जो कभी पुराना नहीं होता और हमेशा ट्रेंड में रहता है। जीन्स की शुरुआत 19वीं सदी में मजदूरों के लिए की गई थी और इसी दौरान इसमें एक छोटी पॉकेट जोड़ी गई थी। ये छोटी पॉकेट घड़ी रखने के लिए थी, क्योंकि उस समय घड़ी में बेल्ट नहीं होता था और घड़ी टूटने का खतरा होता था, इसलिए इसे वॉच पॉकेट कहा जाता है। आजकल ये पॉकेट फैशन के लिए इस्तेमाल होती है और किसी विशेष उपयोग में नहीं आती। इसके अलावा जीन्स को डेनिम ही क्यों कहा जाता है, इसका जवाब भी बड़ा ही दिलचस्प है। 19वीं सदी में फ्रांस के नीम्स शहर में जीन्स के लिए जो कपड़ा इस्तेमाल किया जाता था उसे सर्ज कहा जाता था। फ्रांसीसी लोग इसे सर्ज डी नीम्स कहा करते थे, जिसका मतलब होता है नीम्स से सर्ज। समय के साथ इसका नाम बदलकर डेनिम हो गया। बिहार के वैशाली में सड़क धंसने का मामला आया सामने। राजद नेता ने किया तीखा प्रहार। बिहार के वैशाली में NH 31 फोर लेन, जो छपरा से हाजीपुर जाने वाली लेन है, वहां उद्घाटन से पहले ही सड़क क्षतिग्रस्त हो गई।
मामला सामने आने के बाद फोर लेन पर उस रूट से आवागमन फिलहाल बाधित है। इस मामले को लेकर राजद विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन ने देखा हमला किया है, साथ ही वैशाली एसपी से इस मामले में बातचीत की है, साथ ही वाहनों के रूट में बदलाव करवाया है। ट्रैफिक पुलिस ने सड़क धंसने की वजह से रास्ता बंद कर दिया है और नो एंट्री का बैरिकेड लगा दिया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने राहुल गांधी के सामने जाति जनगणना पर खड़े किए सवाल। इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार देश में जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। देश में जाति जनगणना का मामला भी गरमाया हुआ है और लगातार लोकसभा में इस मुद्दे पर बहस देखने को मिल रही है। अब इस मामले में दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी का मेंटल हेल्थ चेकअप होना चाहिए, उन्हें इलाज की जरूरत है। आगे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी दुनिया की जाति जानना चाहते हैं और अपनी जाति बताना नहीं चाहते, आखिर क्यों? पंजाब किंग्स ने रोहित शर्मा को लेकर कही ये बात। पंजाब किंग्स के क्रिकेट विकास प्रमुख संजय बांगर ने आगामी आईपीएल में रोहित शर्मा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि रोहित की बहुत मांग होगी और अगर वो नीलामी में जाते हैं तो अच्छी खासी कीमत मिलेगी। आपको बता दें कि मेगा ऑक्शन के जरिए पंजाब किंग्स एक अच्छी टीम बनाने की कोशिश में रहेगी। टीम में को रोहित शर्मा जैसे कप्तान चाहिए। मालूम हो कि आईपीएल के इतिहास में पंजाब किंग्स ने कुछ खास सफलताएँ हासिल नहीं की हैं, इसलिए एक अच्छी टीम बनाने की कोशिश रही है। अगर रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस से अलग होते हैं तो आपके हिसाब से इन्हें किस आईपीएल टीम में खेलना चाहिए, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1859 में देश के महान उद्योगपति दारोबजी टाटा का जन्म हुआ था। इन्होंने ही टाटा स्टील की नींव रखी थी। आज के दिन वर्ष 1870 में श्रमजीवी संघ की स्थापना हुई थी। ये भारत का पहला मजदूर संगठन था। आज के दिन वर्ष 1972 में भारतीय रेसलर और लिफ्टर दलीप सिंह राणा का जन्म हुआ था। ये ग्रेट खली के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज के दिन वर्ष 1976 में भारतीय सशस्त्र सेना की प्रथम महिला जनरल मेजर जनरल जी अली राम का को मिलिट्री नर्सिंग के निदेशक नियुक्त किया गया था। आज के दिन वर्ष 1979 में भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन का निधन हुआ था। आज के दिन वर्ष 1999 में सोनाली बनर्जी भारत की प्रथम महिला मरीन इंजीनियर बनी थी। आज के दिन वर्ष 1999 में भारत ने कारगिल संघर्ष के दौरान अपने यहाँ बंदी बनाए गए पाकिस्तानी युद्ध बंदियों को रिहा किया था। आज के दिन वर्ष 2008 में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ए के माथुर सशस्त्र बल ट्रिब्यूनल के पहले अध्यक्ष बने थे। गरीब परिवार को मिलेंगे 46,000 रुपए का वायरल हो रहा मैसेज। व्हाट्सएप पर वायरल हो रहे एक मैसेज में दावा किया जा रहा है कि गरीब परिवार के लोगों को वित्त मंत्रालय की तरफ से 46,715 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय की तरफ से ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। ये दावा पूरी तरह से फर्जी है, इसलिए किसी तरह के अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचे। साथ ही किसी को भी अपनी पर्सनल डिटेल्स भी शेयर ना करें। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी इस खबर को शेयर करते हुए फर्जी बताया है। आरबीआई यूपीआई की तरह ला रहा यूएलआई, अब छोटे व्यापारियों को कर्ज लेना होगा आसान। भारत में डिजिटल पेमेंट्स के क्षेत्र में यूपीआई ने क्रांति ला दी है और अब इसी तरह ही एक नई प्रणाली यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस यानी यूएलआई आने वाली है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने इस नई प्रणाली का पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है, जिसका उद्देश्य कर्ज देने की प्रक्रिया को तेज और सरल बनाना है। इसके तहत कर्ज की मंजूरी में लगने वाले समय काफी कम हो जाएंगे। विशेष रूप से छोटे कर्ज लेने वालों के लिए ये बड़ा लाभकारी होगा। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि यूपीआई की तरह यूएलआई भी पूरे देश में लेंडिंग यानी कर्ज के इकोसिस्टम में बदलाव लाएगा। यूएलआई से कृषि और एमएसएमई क्षेत्रों को विशेष फायदा होगा, क्योंकि इससे कर्ज की प्रक्रिया में तेजी आएगी और भारी दस्तावेजीकरण की आवश्यकता समाप्त होगी। यूएलआई जेएम यानी जनधन आधार मोबाइल के साथ मिलकर भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को नई दिशा देगा। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे, उसका जवाब बताएंगे, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है ये हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में यूपीआई से लगातार तीसरे साल कितने लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 32, ऑप्शन डी 28। इसका सही उत्तर है 20। हाल ही में सरकार ने विमान रख रखाव, मरम्मत और ओवरहॉलिंग में कितने प्रतिशत एफटीआई को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए है 85%, ऑप्शन बी है 49%, ऑप्शन सी है 100%, ऑप्शन डी है 30%।
इसका संयुक्त है 100%। हाल ही में कहां अंगदान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी अहमदाबाद। इसका संयुक्त है नई दिल्ली। मेगा सनीज द्वारा इंडिका में उल्लेखित 4 नगरों में बिहार का कौन सा नगर था? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्रा, ऑप्शन सी है उज्जैन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है पाटलिपुत्रा। 6वीं सदी में विश्व की पहली लोकतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थी? ऑप्शन ए है बोधगया, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्रा, ऑप्शन डी है नालंदा। इसका सही उत्तर है वैशाली। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था, जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है कंचन राजवंशी, मोहम्मद साकिर हुसैन, शिव शक्ति, उमाकांत सिंह, सादुल्ला पालवी, अजीत सिंह राजपूत, राम नवमी मांझी, दीपक कुमार, राजकिशोर महतो, भगवान सिंह, सतीश कुमार, संजीव कुमार, अतीक खान, बाबूलाल मरांडी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके क्षेत्र में भी दाखिल खारिज के मामले में परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।